नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने 167 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोबाइल ऐप से किया जा सकेगा एम्बुलेंस का निरीक्षण। मेडिकल सेवाओं में राजस्थान देश का सिरमौर राज्य। मुख्यमंत्री ने भरतपुर के नदबई में किया विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। महाराजा सूरजमल के 259वें बलिदान दिवस पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्रों में गेल इंडिया करेगी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन। देश में ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर। राजस्थान सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन काम कर रही है। इस क्षेत्र में आम लोगों के लिए लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को अमर जवान ज्योति से 167 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया, जिसके माध्यम से इन एम्बुलेंस वाहनों के मूवमेंट का प्रभावी निरीक्षण किया जा सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में 90% लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जा रहा है, जबकि पूरे देश में मात्र 41% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश का सिरमौर राज्य बन चुका है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज के अंदर पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। मेन बात यह है कि जो स्कीमें अपने बनाई हैं आज पूरे देश में चर्चा है। अभी जो कवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर वो सिर्फ 41% ही है, पर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 90% कवरेज है। अंदाज कर सकते हैं कि रात दिन का फर्क है राष्ट्रीय औसत में और राजस्थान के अंदर। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य का ढांचा काफी मजबूत है। हम किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और हमारी कोरोना प्रबंधन की पूरे देश में तारीफ हुई थी। कैसी भी स्थिति आएगी हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, CHC, PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, SMS के अंदर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के नदबई में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारी योजनाओं ने आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने महाराजा सूरजमल के 259वें बलिदान दिवस पर भरतपुर में उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल एक महान योद्धा, रण कौशल के धनी होने के साथ साथ उत्तम कूटनीतिज्ञ भी थे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर 103 वर्षीय श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेप जानी और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। राजस्थान में खनिज खनन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गेल इंडिया को 3+9 महीने के लिए ब्लॉक आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत समय समय पर खनिज खोज और खनन कार्यों को गति देने पर जोर देते रहते हैं। देश में ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। इस समय प्रदेश में ONGC और ऑयल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जा रहा है। सूरज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।